सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर डिजिटल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक फॉर डिजिटल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं पप्पू बंडोर और आप देख रहे हैं टेक फॉर डिजिटल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम सिर्फ एक SMS भेजकर किसी की भी बात सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साइट में एक आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ऑन कर लेना होगा आपको, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाया करेगा। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, यहां पे आपको कुछ सेटिंग करना होगा। सेटिंग करने के बाद ही आप किसी की भी बात सुन सकते हैं, वो भी अपने फोन से, किसी दूसरे के फोन से आप नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, अगर आप जानते हैं ऑलरेडी तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं दो मोबाइल रखा हूं मैं, जिससे कि एक मोबाइल से मैं SMS करूंगा तो दूसरे फोन से ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस नंबर से, इस मोबाइल से अगर मैं इसमें फोन मैसेज करूंगा तो इस मोबाइल से ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको किसी की भी बात सुनना है तो ये वाला मोबाइल जो है, जो कि यहाँ से अगर ये वाला मोबाइल किसी के बीच में आपको रखना पड़ेगा, आपके फ्रेंड के अगर बात सुनना चाहते हैं आप, या फिर अपने किसी भी मेंबर्स की बात सुनना चाहते हैं आप, तो उनके बीच में आप ये फोन रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे भी जाकर आप इस नंबर से, आप इस मोबाइल से आप इस पे मैसेज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल आ जाएगी और ऑटोमेटिक वहां पे जो भी बात कर रहे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपका यहाँ पे मोबाइल में फोन आया है और यहाँ से फिर ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो चुका है और फिर सामने वाला कोई हमारी बात सुन रहा है। तो ऐसे में क्या, अगर कोई भी बात करता है आपकी बात, आपके बारे में बुराई करता है या फिर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात सुन सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सा मेथड है। दोस्तों, इस मेथड का कोई भी आप इसका गलत उपयोग मत करना, क्योंकि ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि किस प्रकार से हम किसी की भी बात सुन सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिससे कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकी माई फोन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिकी माई फोन। तो यहाँ से इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आएगी, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैनेज SMS के ऊपर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। ये सबसे ऊपर यहाँ पे मैनेज स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद इसको इस प्रकार से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना होगा आपको, यहाँ पे हाई ट्रिक माई फोन कमांड है, इसको यहाँ पे ऑन कर देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको दूसरा आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पंख वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे कॉल बैक इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर इसको यहाँ से सेव कर देना होगा आपको, ठीक है। सेव कर देंगे, इसके बाद आप ये फोन किसी के भी बीच में रख दीजिए, जहां से आप बात सुनना चाहते हैं, किसी की भी बात सुनना चाहते हैं तो वहां पे ये फोन को आप बंद कर दीजिए और फिर कहीं और किधर रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल में सिंपल सा मोबाइल हो या कोई सा भी मोबाइल हो, उस मोबाइल से आपको एक SMS करना होगा, ठीक है। वो SMS आपको करना होगा इस मोबाइल पे करना होगा। तो यहाँ पे SMS करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं दो मैसेज करके ट्राई करके देखा हूँ ताकि वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मैं कॉल मी बैक, ठीक है। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं कॉल मी बैक लिख दिया हूँ, अभी यहाँ पे इसको मैं सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इस वाले मोबाइल से यहाँ पे फोन आ जाएगा, आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाऊंगा। देखिए, ये पैसा कट गया, आपको यहाँ पे बैलेंस आपके मोबाइल में होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से कॉल ऑटोमेटिक यहाँ से लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल आ चुका है, आपके मोबाइल पे भी यहाँ पे कॉल आ चुका है, ठीक है। ये कॉल आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से आप आराम से इसको रिसीव कर सकते हैं और सामने वाले की, इधर वाले की जो फोन है वो यहाँ पे फोन आप आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रिसीव करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रिसीव हो चुका है, तो अब सामने वाला देखो यहाँ पे भी फोन, कुछ भी इनको पता भी नहीं चला कि सामने वाले का यहाँ पे फोन आया है या कैसा, ऑटोमेटिक यहाँ से कॉल लग गया मैसेज, जैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल आ चुका है और यहाँ से हम आराम से किसी की भी बात सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्यों आपको पसंद नहीं आया, ताकि मैं आगे से ऐसे वीडियो ना बनाऊं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय, जय हिंद।